हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है, वो इसलिए क्योंकि आज हमारी बड़ी ईद है। तो भाई उठ तो मैं बहुत ही जल्दी गई थी, मैं सोई ही नहीं रात से। तो जब मैं उठी हूँ तो इतना प्यारा मंज़र लगता है, सबसे ज़्यादा मुझे देखने का इंतज़ार होता है जब सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के सब मस्जिद से निकल रहे होते हैं जेंट्स, और फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं। कि आज मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लाइव कुर्बानी देखी है। मैं बिल्कुल नहीं देखती क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, पूरा दिन अजीब सा गुजरता है, बट आज मैंने देखी। थोड़ी देर तक मुझे अजीब सा होता रहा, लेकिन उसके बाद जो है ना, अब मैं यूज्ड टू हो गई। मतलब मैंने बकरे की कुर्बानी भी देख ली और बड़ी गाय की भी देख ली। तो खैर अभी तक तो मैं बहुत खुश नज़र आ रही हूँ, आगे आगे देखें क्या होता है। हम जाएंगे नानी के, अभी बस थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मैं तैयार होकर बैठी हूँ। अभी हमारे घर में कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। जो मेरी खुशी अभी नज़र आ रही है, ये बस नानी के जाके जो है ना उदासी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब वहाँ जाएंगे वो बकरा, उससे जो मेरी अटैचमेंट है ना, वो जब कुर्बानी के लिए जा रहा होगा तो पता नहीं मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँगी। खैर अब हम नानी के आपसे वहाँ जाके मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा ऊपर तो कर लो। हेलो, हम अपने नानी के घर आ चुके हैं और अपने प्यारे से बेबी से हम मिल लिए, क्योंकि बहुत उदास हुआ है। क्या हुआ तो बेबी इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ है इसको देख के ना, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि अब यस के ज़िबा होने का टाइम स्टार्ट होने वाला है। और फिर ये अल्लाह ताला को प्यारा हो जाएगा और हमारे नाना नानी की कुर्बानी कबूल हो जाएगी। मगर रोना तो आता है ना, अफसोस तो होता है। इतने प्यार से इसकी देखभाल करी और फिर अटैचमेंट हो जाती है। समझ रहे होंगे मेरी बात जिनके साथ ये हुआ। ऊपर से ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा उदास हुआ है, तो उसको देख के ना और अजीब सा हो रहा है। क्या हो क्या? अच्छा, सॉरी, तुम तो प्यार भी नहीं करा रहे, इधर आओ। क्या हुआ, क्या हो गया? क्या हुआ? ना तो ये पानी पी रहा था ना कुछ खा रहा था, लेकिन शुक्र है अभी इसने ये खाना शुरू किया है। मैं मुझे देखकर खाना शुरू करा उसने, चूड़ियां नहीं खाते बेटे। यार तुम रुलाते हुए जाओगे क्या? रुलाने का इरादा है? पगले रुलाएगा क्या? नेपाल जाते जाते ये जो ये हरकतें कर रहा है ना, ये दिल पे आके ठक्कर क्या लग रही है भाई? भाई हालत ऐसी हो रही है। बकरा ज़िबा हो चुका है और यहाँ सारे बैठ के रो रहे हैं। ये देखें, आप इनकी शक्ल देख सकती हैं, देख सकते हैं, सकती हैं बोल रही हूँ।
और जो है बस अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। अफसोस तो होता है ज़ाहिर है, कुछ बोलने मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, बाद में बात करते हैं फिर। हाँ ये फुटका पीस है, ऐसी बर्फी जैसी मैं बनाऊंगा इसको, लेकिन कोई बकरा वगैरह बुकिंग वुकिंग हो तो बता देना भाई, 4000 रुपये की बकरा। चलो मैं तो भाई सो गई थी जब जैसे ही कुर्बानी शुरू हुई, और मैं उसके बाद जब सो गई, अभी मैं उठी हूँ तो यहाँ सब सफाई वगैरह करती, नाना नानी बाबा माने बाबा ने ही पूरा बकरा निपटाया अपने कज़न के साथ मिलकर। मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली, मैं सो गई, मैं अभी उठी हूँ तो सब कुछ मुझे साफ मिला, बाहर ही नहीं आने का इंतजार था। मेरी हालत को इग्नोर करिएगा, गर्मी इतनी है कि मैंने बैंगल्स पहनी थी, बैंगल्स भी उतार दी और निशान भी आ गया। बकरा पूरा ज़िबा 4.5 घंटे में मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था। आई गेस 4 बजे स्टार्ट किया और 7 बजे जो है सब फिनिश, और उसके बाद जो है लोग ने बाटा वगैरह जो भी किया। मैं तो भाई अंदर कमरे में थी, सो के उठी थी आराम से, और उसके बाद मैं यहीं रही, मैं बाहर ही नहीं गई, क्योंकि जो अपने घर का जानवर होता है ना, उसकी जब कुर्बानी हो तो देखने का भी नहीं चाहता उसका गोश्त, क्योंकि इतना अजीब सा दिल हो रहा था और मैं इतना ज़्यादा अजीब अपसेट हुई भी थी। फिर थोड़ी देर में जाके सेट हुई, और उसके बाद जो है आज जो है मम्मा की बर्थडे है। मैं स्लो इसलिए बोल रही हूँ कि मम्मा उस रूम में, मेरी आवाज़ सुधर ही जाएगी। तो अभी मैंने बाबा को भेजा है कि केक वगैरह ले आएँ, और मम्मा आपके लिए कुछ लाइंस, जब आप देखेंगे व्लॉग, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आप बहुत 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 अच्छी मम्मा है मेरी, मतलब मम्मा से ज़्यादा तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी पार्टनर, मेरी सब कुछ, और आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस थोड़ा डाटा कम करें और ताने वाने कम दिया करें, बाकी तो आप अच्छी हैं। आई लव यू भाई। फ्रिज में कहीं जगह नहीं है तो हमने केक स्टोर में ला के रखा है, लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे हीरा। हम बस अब निकल रहे हैं घर, और जो है बस आज का ये छोटा सा व्लॉग, तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से 1K कर दें इंशाल्लाह कल तक, फिर हम उसकी सेलिब्रेशन करेंगे, वो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्द आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।